जो सबसे ज्यादा मतों से सबसे पहले जिनके जीत की खबर आई नोएडा में, वो हमारे साथ हैं। पंकज जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली है, उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। जी, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि पिछले 5 साल में जिस तरीके से योगी जी के शासनकाल में काम हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से जब अच्छा काम हुआ है तो लोगों की अपेक्षा भी भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व करने वाले हमारे नेता से ही होगी। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली जो सरकार होगी, वह लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश को और भव्य, सुंदर, सुरक्षित बनाने के लिए काम करेगी। जब परिणाम आ रहा था, सबसे पहले खबर आई पंकज सिंह 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख तक वोट से आगे गए, तो जनता ने बड़ा स्नेह दे दिया। देखिए, ये इस बार में, पिछली बार भी अगर मत प्रतिशत देखें तो उस बार भी सबसे बड़ी विजय नोएडा से थी भारतीय जनता पार्टी की, और इस बार भी मत प्रतिशत अधिक रहा है। तो मैं नोएडा की जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यह सब उनके स्नेह और अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से, अपने नेतृत्व के काम की वजह से ही यह संभव हो पाया। कल सवेरे कुछ लोगों को चाय पे बुलाया गया, 5KD पे, आप जा रहे हैं? अब जिनको बुलाया होगा वो जाएंगे। पंकज जी नोएडा में बहुत बम्पर मतों से जीते हैं और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में उनको भी स्थान मिलने की पूरी संभावना है। कैमरामैन दिलीप के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।